नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एन के इलेक्ट्रिशियन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जेट पंप के बारे में, लेकिन जेट मशीन इसको भी बोल सकते हैं, जेट पंप जो कि हमारे एसी सर्विस के लिए स्पेशल मशीन है, ये ओनली एसी सर्विस के लिए। आज हम इसको आपको सेट करके दिखाएंगे, कैसे इसका सेट करते हैं पूरा इंस्टॉलेशन करके दिखाएंगे। देखिए नया मशीन है मेरा, ये इसका लीड हो गया जो कि इसके में पावर सप्लाई देंगे। दोस्तों देखिए इसका लीड है, अच्छा लंबा लीड है जो कि अच्छा खासा दूरी तय कर सकती है लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको लगाएंगे। देखिए सबसे पहले इस मशीन को दिखाइए थोड़ा नज़दीक से। इस मशीन में इनपुट और आउट हमको पहचानना पड़ता है कि कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, मतलब किधर से पानी खींचेगा किधर से पानी निकलेगा। तो दोस्तों सीधी सी बात समझ लीजिए, जिस साइड पतला मुँह रहेगा उस साइड मेरा आउटपुट रहेगा, और जिस साइड ये मोटा मुँह रहेगा वो मेरा इनपुट पाइप रहेगा, मतलब इधर से पानी जाएगा इधर से मेरा प्रेशर से पानी निकलेगा। तो जो मेरा इनपुट पाइप रहेगा उस साइड में ये वाला पाइप लगेगा। तो इसको हम सबसे पहले इसको टाइट कर लेते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों सीधा करके इसको हमने टाइट कर लिया है। अब देखिए ये मेरा इनपुट पाइप हो गया जो कि मोटा वाला पाइप है, ये पानी वाली बाल्टी में रहेगी। देखिए इसके साथ में फिल्टर लगा हुआ है ताकि ये कचरा उचरा अंदर ना खींच ले। फिल्टर लगाना जरूरी है दोस्तों, फिल्टर नहीं लगाएंगे तो आपका मशीन जल्द से जल्द ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये कचरा खींच लेगा और इसके अंदर फंस जाएगा। इसको सेट करने का सबसे आसान तरीका दोस्तों, इसको हमने टाइट कर दिया है। अब इसको लगाने के लिए जो आप ड्रिल मशीन में बीट लगाते हैं ना हैमर मशीन में, बस उसी तरह से इसको पुश कर लीजिएगा और इसको लगा दीजिएगा। निकालना भी रहे तो पुश करके निकाल लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। बिल्कुल ऐसे डाले, थोड़ा सा पुश किए, थोड़ा अंदर इसको डाल दिए, लग गया दोस्तों। ठीक है, जब इस अभी खिंचाएगा नहीं बाहर, अब इसको जब निकालना रहे तो बस इसको थोड़ा सा पुश करिए बाहर के साइड और इसको खींच लीजिए, बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब रही बात इसकी इनपुट पाइप की, इसको हम लगा देते हैं। अब ये मेरा हो गया इनपुट पाइप, ये मेरा हो गया आउटपुट पाइप। आउट पाइप को सबसे पहले लगाने के लिए हम गन को जोड़ेंगे। ये मेरा गन है जो कि पानी को कंट्रोल करता है, मेरा प्रेशर को कंट्रोल करने वाला ये गन है। ठीक है दोस्तों, इसको सबसे पहले एक साइड लगाएंगे। किस साइड? तो जिस साइड ये पतला मुँह वाला दिया हुआ है इसमें कसने के लिए, उस साइड वाला इस गन में लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको यहाँ पर रखे, इसको सीधा टाइट कर देंगे। देखिए आराम से ये टाइट हो गया। अब ये जो मेरा हो गया प्रेशर वाला ये पाइप है, इस पाइप को हम यहाँ पर लगाएंगे इनपुट की तरफ, ये आउटपुट की तरफ, जो मेरा आउटपुट वाला पतला वाला जो पाइप है, अभी पतला वाला साइड दिया हुआ है। ये लगाने का सबसे आसान तरीका दोस्तों, इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे, इसको थोड़ा खींचेंगे पीछे, इसको थोड़ा पीछे करेंगे। और सबसे पहले ये जो देख रहे हैं स्टील वाला बुश टाइप का दिखाई दे रहा है, इसको आप सबसे पहले अंदर डाल दीजिए सीधा, बिल्कुल इस तरह से अंदर डाल दिए। अब ये जो लॉक एक वाला सिस्टम है कसने के लिए, अब इसको थोड़ा टाइट कर दीजिए आराम से। देखो दोस्तों इसको हमने टाइट कर दिया, इसको फुल टाइट कर दीजिए ताकि यहाँ से प्रेशर लीकेज ना हो। इसको हमने फुल टाइट कर दिया, अब इस वाली साइड को पाइप को पीछे थोड़ा से लगा देंगे आराम से। ठीक है दोस्तों, लगिए अभी मेरा पाइप बिल्कुल सेट हो चुका है। अब इसको हम यहाँ से लाइन देंगे तो लाइन चालू हो जाएगी। देखिए इसको ऑन ऑफ करने के लिए इसमें बटन दिया हुआ है, देखने दोस्तों यहाँ पे ऑन ऑफ़ करने के लिए, ये ऊपर ऑन है नीचे ऑफ है, यहाँ से भी हम ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। अभी हम इसको आपको चला के दिखाएंगे, इसका इसमें एयर भी निकालना पड़ता है, तो हम एयर कैसे निकालते हैं वो आपको हम अभी पानी में ला करके दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको पानी यहाँ पे लेके आ गए हैं, अब इसका हम एयर निकाल के दिखाएंगे, इसका प्रेशर भी आपको दिखाएंगे कि प्रेशर कितना है और किस तरह से कंट्रोल होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका पाइप यहाँ से खोल लेंगे, जो पाइप मेरा था इनपुट पाइप, इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे ताकि हम इसमें पानी भर सकें। अब देखिए इसको यहाँ से खोल लिए, अब यहाँ से इसको फिल्टर को खोल लेंगे, इस तरह से इसको लूज करेंगे, ये फिल्टर को निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें हम पानी भरेंगे इस वाली पाइप में। फिर इस पाइप भर में हम पानी भरेंगे यहाँ से। फिर थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते रहेंगे, पानी चला जाएगा पूरे पाइप में। देखिए दोस्तों दोनों पाइप में पानी भर चुका है। ठीक है, अब चाहे तो इस वाली पाइप को हम इसमें लगा देते हैं मशीन में। ठीक है दोस्तों, पाइप लगा दिए मशीन में, चाहे तो एक मशीन में लगा हुआ रहेगा और दूसरा इससे पानी भर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने निकाल के क्यों भरा था, क्योंकि पानी जल्दी भर गया उसमें। अब इसका जो फिल्टर था वो हम लगा देंगे इसमें। देखिए इसका फिल्टर था, फिल्टर इसमें लगा करके इसको टाइट कर देंगे इस तरह से, ये बिल्कुल टाइट हो गया। अब इसको पानी के अंदर डाल देंगे। अब इसका एयर निकालना है तो इनपुट के साइड में जो देखिए पाइप में लगा हुआ है इसको भी खोलना पड़ेगा, इसको खोल करके एयर निकालेंगे। तो कभी भी आप जब पानी सर्विस करने के लिए इसको फिट करिए तो सबसे पहले आप एयर निकाल लीजिए, उसके बाद में इनपुट पाइप सेट करिए। हमने तो आपको पहले इसलिए सेट करके दिखाया था ताकि किस तरह से सेट करते हैं हमने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, अब इसमें इसका पाइप निकाल लिए, अब यहाँ से एयर पहले निकाल लेंगे बाल्टी। निकालने से पहले हम इसका प्लग लगा देते हैं। देखिए हम इसका प्लग लाइन में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों,
अब हम इसको ऑन करेंगे यहाँ से, देखिए ऑन से कर लिया। अब देखिए एयर कितना सारा एयर निकल रहा है इसके अंदर से, देखिए पूरा एयर ही निकल रहा है। अगर हम एयर को बाहर नहीं निकालते तो मशीन मेरा जो गन है जो मेरा गन सही से नहीं चल पाता। अब देखिए पूरा बिल्कुल बिल्कुल ही पूरा एयर निकल चुका है, बिल्कुल पानी ही पानी आ रहा है। अब हम इसको पाइप लगा सकते हैं आने वाला, हम इसको ऑफ कर देंगे यहाँ से। चलो तो इसका एयर जब निकल गया तो इसको हम ऑफ़ करेंगे, उसके बाद में हम इनपुट पाइप को ज्वाइंट कर देंगे। एयर निकालने का फ़ायदा है दोस्तों, एयर अगर नहीं निकालते तो मेरा गन जो था गन सही से कंट्रोल नहीं हो पाता है। अब हम देखिए इसको टाइट करेंगे। टाइट हो गया, अब ये भाई मेरा गन है, गन से पानी को कंट्रोल करेंगे यहाँ से। इसको ऑन करेंगे, इसको ऑन कर दिए हैं, नहीं देखिए नहीं निकले। अब देखिए मेरा मशीन ऑटोमेटिक बंद हो गया, क्योंकि क्योंकि इसको प्रेशर आ गया है। अब इसको प्रेशर यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।